दोस्तों, कभी आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है, रेलवे स्टेशन से ट्रेन से जाना होता है, या फिर एग्ज़ाम देने के अलावा और भी कहीं जाना होता है, तो आपको वहाँ पर लंबी लाइनों से टिकट लेने के लिए लंबी लाइनों जो लगी होती है उनसे बहुत तकलीफ़ होती होगी। काफ़ी समय हो जाता है, आधे घंटे एक घंटे, जितनी लंबी लाइन होगी, बड़ा स्टेशन होगा तो उतनी लंबी लाइन होती है, तो टिकट लेने में हमको बहुत तकलीफ़ होती है। जनरल टिकट अगर हमको लेना होता, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इससे अगर निजात मिल जाए तो क्या होगा? अगर ये लाइन ही ख़त्म हो जाए, ये झंझट ही पूरा ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? जैसे हम कंफर्म टिकट लेते हैं, बुकिंग करते हैं टिकट की स्लीपर के लिए, एसी के लिए, तो उसको तो ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन कभी जनरल टिकट के लिए आपने सोचा है कि ये भी ऑनलाइन हो जाए तो कितना अच्छा हो? तो दोस्तों, अगर आपने आपकी इच्छा यही रही है तो ये दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है कि आज से ऐसा हो चुका है, 1 नवंबर से ये चीज़ पूरे देश में लागू हो गई है। उसके बारे में न्यूज़ है, आपको बताऊँगा एप्लीकेशन, जो मोबाइल का एप्लीकेशन है उसको बताऊँगी कि कैसे आप जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ये जी न्यूज़ की न्यूज़ है ये, तो इसमें देखते हैं, जैसा कि न्यूज़ है आपको बता रहा हूँ, उसके बाद एप्लीकेशन भी दिखाऊँगा कि कैसे आप जनरल टिकट बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से बिना झंझट के। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूज़ है, पूरे देश में शुरू हुआ रेलवे का UTS ऐप, जाने कैसे करें ट्रेन का जनरल टिकट बुक। तो दोस्तों, ये UTS ऐप है, UTS के नाम से एप्लीकेशन है। कुछ आगे की न्यूज़ है, कुछ जगहों पर UTS ऐप पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन 1 नवंबर से यह सेवा पूरे देश में शुरू हो गई है। आगे पढ़ते हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के UTS ऐप के सेवा को पूरे देश में लॉन्च कर दिया। UTS ऐप के जरिए आप पूरे देश में कहीं भी अपने मोबाइल से अनारक्षित यानी जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। इस ऐप के शुरू होने से टिकट खिड़कियों पर लगने वाली लंबी लाइन कम हो जाएगी और रेल यात्रियों को बिना भागदौड़ के आसानी से टिकट मिल जाएंगे। हालांकि कुछ जगहों पर UTS ऐप पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन 1 नवंबर से यह सेवा अब पूरे देश में शुरू हो गई है। देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर UTS ऐप सेवा उपलब्ध है। अब 1 नवंबर से यह सेवा देश के सभी 15 रेलवे जोन में यह सेवा शुरू हो गई है। तो इसमें UTS ऐप मोबाइल ऐप जो है उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसमें लिखा है, टिकट खिड़की पर लगने वाली लंबी कतार से छुटकारा मिल जाएगा, टिकट पेपर रहित होने से पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी, इस ऐप के द्वारा TTE को टिकट दिखाए वह भी बिना इंटरनेट के, यह सेवा कैशलेस है, डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा, क्योंकि इसमें आपको नोट नहीं खर्चा करनी पड़ेगी, इसमें डिजिटल पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, लंबी दूरी की ट्रेन को भी अनारक्षित टिकट बुक किया जा सके, लंबी दूरी की आपकी ट्रेन है तभी अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। रेल वाले डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या ई वॉलेट से बुक कर सकते हैं। रेल वॉलेट से टिकट बुक करने पर 5% की छूट भी पाएँ। जैसे आपको नेट बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड से ATM कार्ड से आप बुक कर रहे हैं तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसी एप्लीकेशन में वॉलेट का भी सुविधा है, तो आप उसमें जैसे रिचार्ज कर सकते हैं, उसके बाद अगर उस वॉलेट के पेमेंट से करते हैं, वॉलेट से पेमेंट करते हैं, तो आपको 5% की छूट भी मिलेगी। आगे पीयूष गोयल का इसमें ट्वीट भी दिया है, तो देखो पीयूष गोयल जो हैं कह रहे हैं कि आज से देश भर में UTS ऐप सेवा उपलब्ध है, जिससे यात्री अपने अनारक्षित टिकट ऐप के माध्यम से बुक करवा सकेंगे। इससे यात्रियों को लाइन में खड़े हो रहने की परेशानी खत्म होगी व उनका समय भी बचेगा, वहीं कैशलेस को भी बढ़ावा मिलेगा। कैसे काम करता है UTS ऐप? UTS ऐप से टिकट बुक करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से UTS ऑन मोबाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इसके साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। अब आपको टिकट बुक करने के लिए उस स्टेशन का नाम जहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं वहां जाना है, उस स्टेशन का नाम डालना होगा। यह ऐप स्टेशन से 20 मीटर की दूरी तक ही काम करेगा। इसमें 20 मीटर दिया है, लेकिन मैंने अभी चेक किया है तो दूर से ही भी काम कर रहा है, तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसा भी होगा, स्टेशन का नाम डालने के बाद आपके सामने टिकट की कीमत आएगी और पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप डिजिटल पेमेंट जैसे अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या रेलवे वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि UTS ऐप केवल आप यात्रा वाले दिन ही बुक कर सकते हैं, एडवांस में नहीं, तो आप जिस दिन यात्रा कर रहे हैं उसी दिन आपको बुक करना है, क्योंकि जनरल टिकट है तो आमतौर पर हम उसी दिन यात्रा जिस दिन करते हैं उसी दिन हम ये टिकट बुक करते हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी न्यूज़, अब आपको एप्लीकेशन दिखा देते हैं। तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, जैसे तो प्ले स्टोर में आप UTS सर्च कीजिए, UTS सर्च करेंगे तो ये देखिए ये एप्लीकेशन आ गया है। इसी को यहाँ पर इंस्टॉल कर पहले से ही है, तो इसलिए ओपन कर रहा हूँ मैं इसको, आप यह ओपन हो रहा है एप्लीकेशन। अब इसमें जो है लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें पासवर्ड हम डालेंगे, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होता है। अब लॉगिन कर दिया मैंने इसमें।
अब ये देखिए मोबाइल एप्लीकेशन खुल गया है, इसमें देखिए मोबाइल टिकट है, कैंसिल टिकट है, बुकिंग हिस्ट्री है, आर वॉलेट है, मतलब कि आप वॉलेट में इसमें यूज कर सकते हैं, प्रोफाइल शो बुक डे टिकट हेल्प लॉगआउट इसमें ऑप्शन है। जैसे बुक करना है टिकट, बुक करने में दो ऑप्शन है, नॉर्मल बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, क्विक बुकिंग, सीजन टिकट। तो नॉर्मल बुकिंग में जैसे जाते हैं तो इसमें दो ऑप्शन है, बुक एंड ट्रेवल पेपरलेस, इसमें जैसे आप स्टेशन के पास हैं तो आप बुक कर सकते हैं, दूसरा है बुक एंड प्रिंट पेपर, जिसे आप स्टेशन से दूर हैं तो आप उसको बुक कर सकते हैं, बाद में प्रिंट ले सकते हैं रेलवे स्टेशन पर जाके। यही ऑप्शन है दोस्तों, यही बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके द्वारा आप बिना लाइन लगाए अपनी टिकट पा सकते हैं और टीटी को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी ये न्यूज़ शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।